नमस्कार दोस्तों, जहां भोजपुरी में कुछ लोग दिन रात एक कर रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भोजपुरी का नाम खराब कर रहे हैं और भोजपुरी के जो नए कलाकार हैं, जो नए सिंगर हैं, जो नए एक्टर सिनेमा में आना चाहते हैं, उन लोगों के साथ धंधा कर रहे हैं। जी मैं बोलूँगा धंधा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मेरे पास कुछ कॉल आए तभी मुझे यह वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। अगर आप भोजपुरी सिनेमा देखते हैं या भोजपुरी म्यूजिक एल्बम में आपका इंटरेस्ट है, खास तौर में अगर आप सिंगर हैं और भोजपुरी सिनेमा में आप जाके कुछ करना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। मेरे पास कुछ कॉल आए, उसमें उन्होंने कहा कि भैया जो फेमस सिंगर हैं, कुछ जो कि मार्केट में अच्छा उनका नाम है, उनके नाम पे हम लोगों से कुछ आदमी ने, मैं उनका नाम भी शो करना चाहता हूं, नाम चाहे मैं बता दूं, लेकिन अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है इसलिए मैं उनका नाम शो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन बच्चों ने बोला कि भैया जो बड़े सिंगर हैं उनके नाम पे कि उनकी पिक्चर आने वाली है, अगर आप लोगों को उनके साथ काम करना है तो इतने पैसे लगेंगे। किसी ने 1000 बोले, किसी ने 500 बोले। आप सोचो, जैसे कि मान लीजिए छपरा हो गया या आरा हो गया या बलिया हो गया या बक्सर हो गया, कोई भी हो गया, उस जिले का कोई फेमस गायक हो, ब्यास हो, सिंगर हो, उसके नाम पे उसको एक दिन गेस्ट के रूप में बुला लेंगे, क्या पता चलेगा किस लिए कौन आया है। उसको बुला लिया और उस डेट में सोशल मीडिया में प्रमोशन कर दिया, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि इस कलाकार की, इस सिंगर की मूवी बनने वाली है, जो जो इच्छुक कलाकार हैं संपर्क कर सकते हैं निगेटिव रोल के लिए। किसी को खलनायक बनना है, किसी को उसमें हीरो का भाई बनना है, किसी को और रोल करने हैं, तो बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं। उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फीस रख देते हैं 500, कोई 1000। आप सोचो अगर 500 लोगों ने भी 1000-1000 रुपए दिए, तो आप खुद कैलकुलेट करो कि कितने हजारों, कितने लाख रुपए हो जाते हैं, या 500 ही कैलकुलेट करो तो भी लाख रुपए करीब हो जाते हैं, लाख से ऊपर हो जाते हैं। ये बताइए, ये इतना गोरख धंधा कुछ लोगों ने कर रखा है, बाद में होता कुछ नहीं है, उन बेचारों से पैसे ले लिए जाते हैं, उनको टाइम दे दिया जाता है कि अगले महीने शूट होगा, फिर मोबाइल ऑफ कर लिया जाता है, या मोबाइल ऑफ भी नहीं होता तो बोलते हैं नहीं हो गया अब, या अभी बढ़ाते रहेंगे डेट, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। तो मैं जो कलाकार बनना चाहते हैं, भोजपुरी सिनेमा में आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी गाढ़ी कमाई की एक भी रुपए किसी भी इंसान को कलाकार बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए मत देना, चाहे वो किसी का भी नाम ले, बिकॉज जो भी पैसे का नाम लेगा 101% वह 420 इंसान है, वह धोखेबाज इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे पाना चाहता है, आपके पैसे पे नज़र है। कुछ लोग बोलेंगे 1500 से क्या होता है, लेकिन वही 1500 लोग, अगर 1500 रुपये 1500 लोग दें तो लाखों रुपये हो जाते हैं। तो मैं सब जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसा आपके पास व्हाट्सअप से कहीं मैसेज आए, फेसबुक से कहीं मैसेज आए, या कोई आपका साथी संगति बोले वहां पिक्चर बनने जा रही है, बन रही है, वहां रजिस्ट्रेशन चार्ज इतना है, बिल्कुल मत पे करो, एक भी रुपए मत देना, क्योंकि वो पैसे आपके डूबने वाले हैं, 101% डूबने वाले हैं प्लीज, क्योंकि फिर बाद में आप रोते हो और मुझे अपना भाई समझते हो, इसलिए कॉल करते हो कि भैया पैसा निकलवा दीजिए। बाबू एक बार पैसा चला जाता है, और दूसरी चीज, आप लोग पैसा भी देते हो तो वहां पहुंच के कोई कैश दे देता है, कोई पेटीएम से एटीएम करेगा, कोई गूगल पे करेगा, तो उसका कोई स्क्रीनशॉट अगर आप लोग नहीं भेज पाते हो, बोलता हूँ उसका सबूत भेजो, सबूत नहीं भेज पाते हो, तो ऐसे कैसे किसी के ऊपर हम किसी का नाम ले सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसे झांसे में ना आए, क्योंकि हाँ ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे गांव में रामलीला होती है, चौराहे पे पहुंच के हर टेम्पो वालों को रोकेंगे, 50 रुपये चंदा लेंगे, रिक्शे वाले को रोकेंगे, ऐसे चंदा से रामलीला कराते हैं। बहुत सारे लोग हैं गांव में, ऐसा होता है, मेरे भी गांव में होता है, तो चंदा से लोग अब फिल्म भी बनाना चाहते हैं, उनके पास प्रोड्यूसर तो है नहीं। तो आप लोग सावधान रहें, और 500-1000 कोई कम चीज़ नहीं होता है, उस इंसान से पूछो जो दिन भर कमाता है और 100 रुपये भी उसको नहीं मिलते हैं। तो भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो उसे इग्नोर करें, और एकदम स्ट्रिक्ट जो आपको मैसेज भेजता है उसको बोलें कि ऐसा ना करें, नहीं आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। और आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा कोई भी भाई
कोई भी दोस्त बिल्कुल भी ठगा ना जाए, चाहे उसका 1 रुपये हो, चाहे 1000 हो, चाहे 500 हो। दोस्तों बस यही कहना था, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।